नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे थे। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दिया करो। और मेवाड़ के इतिहास में हम लोगों ने गुहिल वंश पढ़ लिया था, एक शाखा 19 की पढ़ ली थी, गुहिल वंश। और गुहिल वंश का जो अंतिम शासक था वो रतन सिंह। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ, जो रतन सिंह थे वो अंतिम शासक थे यहाँ के। यहाँ पर था चित्तौड़, ठीक है, जिसको जीत लिया किसने, एके ने, अलाउद्दीन खिलजी जीत लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने जीत करके ये पुत्र अपना, उनका पुत्र था खिज्जर खां, उसको ये दुर्ग सौंप करके चला गया। तो रतन सिंह अंतिम शासक था 1303 में। ठीक है, तो ये रण सिंह के पुत्र थे। अब ब्लड भाई ये अलग अलग नहीं है, देखो। तो इसने तो संभाल ली रावल शाखा, ठीक है। 1303 में ये दुर्ग जीत लिया खिलजी ने। अब क्या हुआ, यहीं से एक जो है वो यहां आ गया, एक गांव है सिसोदा, वहां आ गया। और यह रहाब शाखा की नींव रख दी। रण सिंह का एक पुत्र था रतन सिंह, इस शाखा के आगे लिखने लगा रावल। ब्लड वही एक है, एक यहाँ आ गया सिसोदा नाम के गांव में, इसलिए सिसोदिया कहने लगे। तो यहाँ का एक सामंत था, या कह सकते हैं ठाकुर था, जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था अरि सिंह, अरि सिंह के एक पुत्र था जिसका नाम था अमीर। एक ने क्या किया, आक्रमण कर दिया, और लक्ष्मण सिंह थे उसके 7 पुत्र की क्या कर दी, हत्या कर दी। लेकिन अमीर बच गया, अमीर क्या हो गया, बच गया। चित्तौड़ पर शासन चल रहा था खिज्जर खां का, खिज्जर खां को शासन करने नहीं दिया वहां के लोगों ने। तो खिज्जर खां इस जगह को छोड़ करके चला गया, और खिज्जर खां की जगह इस जगह का फिर शासन काल जो है वो संभालने लग गया मालदेव सोनगढ़ा। मालदेव सोनगढ़ा ये वही है इसे मालदेव मूछड़ा बोलते हैं। ये एक चौहान है, चौहान को शाखा को हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था, लेकिन इसने क्या अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो फिर ये दुर्ग मालदेव मूछड़ा को सौंप दिया। तब क्या हुआ, ये दुर्ग सौंप दिया तो इसके पुत्र था जिसका नाम था चैता, जय सिंह भी आता है कहीं कहीं, तो वो फिर कार्यभार संभालने लग गया। अमीर ने क्या किया कि यहां से आक्रमण कर दिया दुर्ग पर, और 1326 में यह दुर्ग अमीर ने जीत लिया। इसलिए अमीर को मेवाड़ का क्या कहा जाता है, उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है किसको, अमीर को। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता, और 1326 में वापिस है जो अमीर ने इस दुर्ग को जीत लिया। कहने का मतलब यह है कि 3 साल तक, सॉरी 23 साल तक यह दुर्ग अदर झूठ में रहा, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। अब अमीर में क्या है, समझ तो आ गई ना, दोनों शाखाएं एक ही है। अब पढ़े अमीर, एक इन्होंने बनवाया था अन्नपूर्णा माता का मंदिर, ध्यान रखना। तीन तो उपनाम है इनके, विषम घाटी पंचानन, जो कि विजय स्तंभ शिलालेख में लिखा हुआ है।
एक है प्रबल हिंदू राजा, किसने कहा? कुंभन। प्रबल हिंदू राजा कुंभा ने कहा, और वीर राजा, सॉरी, ये टोड ने कहा था। प्रबल हिंदू राजा टोड ने कहा था और वीर राजा कुंभा ने कहा था। तो तीन तो ये इनके उपनाम है। बताओ अंतिम हिंदू बादशाह किसे कहा जाता है? चलो लिखवाई देता हूँ एक बार। अंतिम हिंदू बादशाह कहा जाता है मालदेव को। ठीक है, अंतिम हिंदू सुल्तान ये कहा जाता है कुंभा को। इंदुपति ये कहा जाता है सांगा को। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज को, मुस्लिमों के अनुसार अंतिम हिंदू सम्राट सूरजमल। हिंदू भारत का अंतिम सम्राट, हिंदू भारत का अंतिम सम्राट महेंद्रपाल फर्स्ट, गुर्जर प्रतिहार थे, और भारत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट भारतीय गद्दी पर बैठे अंतिम हिंदू शासक हेमू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे दिखाई दे रहा है कंप्लीट। अब देखो, अमीर अमीर के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था खेता। खेता के पुत्र हुआ था जिसका नाम था लाखा। खेता जो था, इसके दो पुत्र हुए थे चाचा और मेरा। चाचा और मेरा दोनों क्या थे? दासी पुत्र थे। दासी पुत्र क्या होता है? यहां से अलग कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं होगा, लेकिन समझाने के लिए है। मान लीजिए यह कोई राजा है, ठीक है, यहाँ का कि कोई राजकुमारी है। अब राजा के पुत्र का है, राजा है, उसका विवाह किसके साथ होगा? सीधी बात, राजकुमारी साथ, क्योंकि शासन काल में बढ़ाना होता था। तो जब ये राजकुमारी विवाह करके आती थी राजा के पास, तो दहेज में कुछ लड़कियां इनके साथ भेजी जाती थी, जिन्हें बोलते थे दावरिया। ये बड़े सम्मान की बात होती थी कि कितनी दावरियां भेजी, बड़ी किसी बात होती थी, सम्मान की कितनी डावरे भेजी। फिर राजा क्या करता था, इनमें से कुछ का प्रमोशन कर देता था, और राजा कह देता था, जैसे राजा की 14 या 15 रानी होती थी, तो इनके जो तो साथ आती थी उनमें से किसी से कह दिया करता था कि अब मैं तो कौन सी लगी ये, तो इसको क्या बोलेंगे? महारानी। तो डावरिया साथ में आती थी, तो राजा इनमें से कुछ का प्रमोशन कर देता था और कह देता था कि अब से तुम किस में रहोगी? पर्दे में। तो
उन्हें बोलना चाहता था पड़दायल। ठीक है, पर्दे से ऊपर फिर उनका थोड़ा प्रमोशन कर दिया जाता था और फिर वो राजा के कहाँ पहुंच जाती थी, पास। इसलिए उन्हें बोला जाता था पासवान रानी। ठीक है, अब बताओ ये क्वेश्चन की जो राजा है, राजा की मृत्यु के बाद जो महारानी होती थी, अब इनके जो पुत्र होगा, इनमें जिसके भी पहले पुत्र होगा वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो ये तो मेन महारानी है, इसके अलावा जिसके भी पुत्र होगा वो क्या कहलाएगा, दासी पुत्र कहलाएगा। ठीक है, अब राजा क्या करता था, इनमें से किसका प्रमोशन कर देता था, रानियों का, ऐसे बढ़ जाते हो तीनों एक, तो आपको ये ध्यान रखनी है। और देखो कि बताओ महारानी क्या बोलना चाहता था, मैं बता देता हूँ, बोलना चाहता था मृत्यु के बाद राजमाता। और राजस्थान पुलिस ने पिछली नेक्स्ट जो प्रीवियस एग्जाम हुई थी उसमें पूछा था कि भारत की अंतिम राजमाता कौन थी, उसने अंतिम राजमाता जो आंसर माना था गायत्री देवी, क्योंकि शायद अपडेट नहीं है, तो गायत्री देवी को माना था, जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। लेकिन अब आ जाए तो ध्यान रखना, अंतिम जो राजमाता है वो कृष्णा कुमारी है, जो कि हनुमत सिंह की क्या है, पत्नी जोधपुरवाड़े की। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। तो जब जब भी दासी पुत्र हुए हैं उन्होंने कोई ना कोई समस्या जरूर पैदा की है, तो आगे चल के यही चाचा और मेरा क्या करेंगे, समस्या खड़ी करेंगे। लाखा सिंह को एक बार में समझा दूंगा, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। ये देखिए, ये लाखा, वास्तविक नाम था इनका लक्ष सिंह। मेवाड़ में होता क्या है, सबका नाम शॉर्ट में जाते, जैसे कुंभकर्ण है कुंभकर्ण को कुंभा बोलने लग गए, संग्राम सिंह को सांगा बोलने लग गए, महाराणा प्रताप को प्रताप बोलने लग गए, तो शॉर्ट नाम लेते। तो जहां भी आपको लिखा मिलेगा लाखा ही मिलेगा, बस वास्तविक नाम लक्ष्य लक्ष्य नहीं मिलेगा, लाखा ही मिलेगा। अब तुम्हें क्या करना है, इसको लाखा नहीं पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है इसको लक्की सिंह। पढ़ लो भी, हाँ गुरु जी पढ़ लें, मार का जा रहे, लक्की सिंह पढ़ लेना है आपको इसको। लक्की सिंह का मतलब क्या होता है, किस्मत वालों, जो काम एक किस्मत वाले की जिंदगी में होता है वो सारे किसकी हुए, लक्की सिंह किसकी में, लाखा सिंह की में। क्या हुआ किस्मत का काम, यहां पर पड़ता है जावर, तो जावर में क्या निकल गई, चांदी की खान। हो गया किस्मत का काम, चांदी निकल गई तो शासन चलाना आसान हो गया। दूसरा क्या हुआ, जो लक्का काम हुआ लक्की सिंह के लिए, वो ये हुआ कि यहां पर ये दुर्ग है मेवाड़ का, इसके पीछे एक बार एक बंजारा आया था, तो उस बंजारे का क्या था, बैल मर गया था। अब बैल मर गया तो बेचारी गाय ना हांडो चालू कर दियो, गाय रंभाना लग गई, गाय रंभाने लग गई कि सर्दी और पड़ पड़ गई, कह ग्राम तो बैल मर गया, तो कहा कि बैल के लिए कुछ ना कुछ करो। तो सबने पैसे इकट्ठे करके, कुछ कुछ पैसे दे करके, ये महल है या कह सकते दुर्ग, इसके पीछे एक झील बनवाई थी जिसे कहते हैं पिछोला झील। क्यों, क्योंकि दुर्ग के खाए महल के खाए पीछे पिछोड़े कर पिछोला झील, एक रुपये को लेकर झील बनो रिपा लगी, लेकिन लाखा क्या है, फ्री मर गया। तीसरा जो लक्की काम हुआ वो ये हुआ कि बुढ़ापे में शादी। अब देखो यहाँ है लाखा, लाखा सिंह के पुत्र था चूड़ा, चूड़ा बोलते हैं वैसे, यहाँ पड़ता है मंडोर, मंडोर, और यहाँ पर भी क्या था, एक चूड़ा था, लेकिन इन्हें बोलते हैं राव चूड़ा। ये राणा कभी बने नहीं थे, लेकिन क्योंकि आप कंफ्यूज हो इसलिए कुछ समय के लिए लगा देता हूँ राणा। तो जो मंडोर के राव चूड़ा थे उनके एक पुत्र थी जिसका नाम था हंसाबाई। ठीक है,
एक पुत्र था जिसका नाम था, तो पता नहीं क्या कहानी हुई, एक बार हंसा भाई का रिश्ता आया था राणा चूड़ा के लिए। कहते हैं राणा चूड़ा जो था वो बड़ा पितृ भक्त था, तो हंसा भाई का रिश्ता आया था, तो लाखा ने ऐसे कह दिया कि जो रिश्ते करते हैं वो तो जवानों को करते हैं, भाई हमारे बुढ़ापे में हमारा रिश्ता कौन करेगा, कि रिश्ते तो जवानों के आते हैं, हमारे लिए तो कोई रिश्ता आता ही नहीं है। तो कहते हैं कि जो राणा चूड़ा थे वो बड़े पितृ भक्त थे, तो इन्होंने कहा चलो पिताजी आप कर लो शादी, मैं नहीं करूंगा। दूसरी कहानी ये है कि जो हंसा भाई का रिश्ता लेके आया था वो आया तो किसके लिए था, राव चूड़ा के लिए, लेकिन गलती से किसकी शादी करके चला गया, लाखा की। अब लाखा की सगाई करके चला गया। अब ये तो रणमल ने कहा कि भाई मैं अपनी बहन का विवाह एक बूढ़े के साथ नहीं होने दूंगा, हाँ केवल एक शर्त पे हो सकता है कि हंसा भाई और लाखा के जो टावर होएगा, जो पुत्र होगा, कौन हुआ था मोक्कल, वही क्या करेगा, इस राजगद्दी पर बैठेगा। तो अब ये अधिकार तो लाखा के पास था ही नहीं, क्यों, ये पास तो राणा चूड़ा पहले से थे, तो उनके पास था। तो लाखा साहब बड़े परेशान हो गए, तब कहते हैं कि राणा चूड़ा ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं या मेरे वंशज में से कोई भी कभी इस गद्दी पर नहीं बैठेगा, हमारा अधिकार नहीं जमाएंगे हम, ये इन्होंने क्या की थी, प्रतिज्ञा की थी। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा देवव्रत ने की थी महाभारत में, इसलिए इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। मेवाड़ क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्होंने कहते मैं मेरा मैसेज, कई किताबों में कई गाइडें गलत लिख देती हैं, कई किताबों में आपको यह भी लिखा मिलेगा कि राणा चूड़ा ने शादी नहीं की, जबकि शादी तो की थी इन्होंने, कुंभा के समय वापिस आ जाएंगे और तभी तो इसके वंशज तो चूड़ा फैलाए थे, तो ऐसा खै नहीं, और इनकी जो तलवार होती थी मेवाड़ को, कि कौन बनाते थे, चूड़ा ही बनाते थे, ठीक है ना। बिना चूड़ाओं से पूछे मेवाड़ के जो थे वो कभी कोई भी काम नहीं करते थे, किसी गद्दी पर बैठाना है, ठीक है ना। तो राणा चूड़ा है, चूड़ाओं से बैठ के, तो ऐसा गाइड मैंने गलत लिख रखा है कि चूड़ाओं ने क्या, इन्होंने ये प्रतिज्ञा नहीं की थी कि मैं शादी नहीं करूंगा, इन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी मैं या मेरे वंशज में से कोई भी मेवाड़ गद्दी पर अपना अधिकार नहीं जमाएगा, ठीक है। शादी हो गई, हंसा भाई आ गई, मोकल नाम का पुत्र हो गया, तो राणा तो चूड़ा थे वो यहाँ रहने लग गए, तो अब शासन का यहाँ का कौन संभालेगा, अब संभालेगा मोक्कल। मोक्कल क्या था, 11 साल का था, तो 11 साल का बच्चा शासन नहीं चला सकता है, तो इनके पिताजी ने इनके संरक्षण में रखने के लिए चूड़ा को, चुंडा को, जो इन्हें क्या था भाई था सौतेला, और हंसा भाई सौतेली थी इनकी माँ, तो उनको इसके संरक्षण रख दिया कि राजगद्दी की रक्षा कौन करोगे, तुम करोगे। तो बाद में हंसा भाई को ये लगा कुछ सौतेली माती हो सकता है कि राज और मेवाड़ की इतनी बड़ी गद्दी पाने के लिए, हो सकता है कि मोकल की कभी चूंडा क्या कर दे, हत्या कर दे, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा राणा चूड़ा से कि देख भाई, या तो यहाँ पे तू रह ले या हमें रह लेने दे। तो चूंडा ने कहा कि ठीक है मैं ही चला जाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं लौट के वापिस आ जाऊंगा। तो मोकल समान लगा का आजकल राणा चुंडा यहाँ से छोड़ करके चले गए। तब हंसा भाई ने क्या किया, जो रणमल थे उनको यहाँ पर बुला लिया, और तब से कहावत फेमस हो गई कि घर में काड़ो और साड़ो कदे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो रणमल आ गया, तो ये यहाँ पर क्या करने लग गया, इसने जितने भी पद थे प्रधानमंत्री मंत्री सेनापति सब पर क्या कर दिए, अपने लोग लगा दिए, और व्यवस्था क्या कर दी, खराब कर दी, ठीक है। तो मोक्कल एक बार कहीं जा रहे थे, तो मोक्कल जा रहे थे तो रास्ते में चाचा और मेरा ने क्या कर दी, मोक्कल की हत्या कर दी, ठीक है। दोस्तों ये मेवाड़ का फर्स्ट पार्ट हो गया, आगे चलेंगे राणा सांगा कुंभा उम्बा सब पढ़ेंगे, अमीर और लाखा हो चुका है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी जोर से दबाना, हमारे काउंट तक आवाज पहुंच जाए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, और क्लासें आती रहेंगी। धन्यवाद।